Hey guys, welcome back to my channel. So I hope you have seen the gate life sciences previous videos that I have uploaded on my channel. So it's been long that I have not uploaded any video regarding the uh, the gate uh, exam preparation. So I am back with the lot of videos. So if you haven't seen my previous videos related to the gate previous papers or previous year questions that I have solved on my channel, then please go and watch those videos and stay tuned to my channel for such. Um, informational videos regarding your gate exam as a very little time is left now the exam is in february so just speed up your preparation and stay tuned to my channel if you haven't subscribed yet then please do subscribe and let's start with this video so this video is the fourth part of the previous year question series so um, just watch the previous parts also so we'll start with the first question which is which of the following combinations would improve the resolution of a microscope so see if you are preparing for the microbiology part then you must be aware about the microscope its working its parts and what are the adjustments that you have to make in a microscope so here we have to tell that how can we improve the resolution of a microscope so the options that we have are increasing the half aperture angle of the objective lens yato up जो अपर्चर एंगल है हाफ अपर्चर एंगल जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का उसको बढ़ाएंगे या डिक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ द एलिमिनेटिंग सोर्स एलिमिनेटिंग सोर्स जहाँ से आपकी लाइट आ रही है उसकी वेव लेंथ को डिक्रीज करेंगे डिक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस न्यूमेरिकल अपर्चर जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस का है उसको डिक्रीज करेंगे डिक्रीजिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्जन मीडियम जिस मीडियम ने आप जिस मीडियम में आपने अपने जो भी आ, पार्टिकल जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो भी आपका मटेरियल है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें उसको आपने इमर्स किया है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिक्रीज करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव लेंस है क्या एलिमिनेटिंग सोर्स है न्यूमेरिकल अपर्चर अपर्चर एंगल क्या चीज़ है ठीक है अगर आपने अभी तक ये सब अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू जस्ट गो एंड गो थ्रू सच टॉपिक्स ऑल्सो सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है जो आप इंप्रूव कर पाएंगे रेजोल्यूशन को दैट वुड बी बाय इंक्रीजिंग द हाफ एंगल अपर्चर हाफ अपर्चर एंगल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डिक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग सोर्स तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद आप अपने रेजोल्यूशन को काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन बाई सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया सो दे आर सेवरल बैक्टीरिया दैट आर रिड्यूसिंग सेवरल मटीरियल्स और द मेटल्स और द कम्पाउंडस सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया की कर रहे हैं और हमें बताना है कि सल्फेट रिडक्शन जो हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सो so, बेसिक सी बात है कि सल्फेट रिडक्शन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया किस तरह काम करता है वो आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास ऑप्शनस है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर एंड था सल्फेड तो यहाँ पर जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा एच टू एस Okay, that would be the end product of the dissimilatory sulfate reduction by sulfate-reducing bacteria. Now, the third question is: microbes have their optimal growth rate near 15 degrees Celsius, but can still grow at 0 degrees Celsius and 20 degrees Celsius are known as ठीक है जो ऑप्टिमल ग्रोथ रेट है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है पर जीरो डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रोथ रेट हो सकता है तो ऐसे माइक्रोब्स जो इस ग्रो इस टेम्परेचर रेंज में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं मेजोफाइल्स नो साइकोट्रोप्स नो साइक्रोटोलरेंट साइक्रोटॉलरेंट ये भी नहीं होगा बट दे आर नोन एज साइक्रोफाइल्स सो द माइक्रोब्स दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एट अ रेंज ऑफ डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस आर नोन एज साइक्रोफाइल्स नाउ द मैच द तो एक चीज़ आप देखिएगा गेट के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैच द फॉलिंग्स जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ों के पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पे आपके पास साइंटिस्ट है और उनके एरिया ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन है तो हम एंटनी वॉन लियन हॉक लिवन हॉक का नाम सुनते हमारे दिमाग में पता होना चाहिए हमें हमें मालूम होना चाहिए कि ये माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड है इन्होंने पहली बार कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था कार्ल लीनियस के बारे में हमने जब भी सुना है तो टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में सुना है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का काम जो था वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ऊपर था लुइस पास्र ने माइक वैक्सीन वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया था सो दिस इज़ द मैच द फॉलोइंग जो कि आपके ऑप्शन बी के, के थ्रू बताया जा सकता है मतलब यहाँ पे आपका अरेंजमेंट ऑप्शन बी के थ्रू शो हो रहा है ओके सो मेक श्योर दैट यू जस्ट क्रैम दीज साइंटिस्ट नेम एंड द एरिया ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन या किस फील्ड में उन्होंने काम किया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन बाई रॉबर्ट कोच मैंने अभी ये बात आपको बताई थी कि आपको साइंटिस्ट का काम किस फील्ड में काम किया है क्या क्या उनकी रिसर्च रही है किसको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला है ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं और गेट में ये बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं सो मेक श्योर कि आप इन सब के भी नोट्स बना के और गो थ्रू करते रहें इनको बाई टाइम टू टाइम क्योंकि ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने क्या काम नहीं किया था तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स दिस वॉज हिज वर्क डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबाकिलोसिस दिस वॉज ऑल्सो हिज वर्क बट द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी वॉज नॉट हिज वर्क सो ऑप्शन सी इज द आंसर वो ही है बाकी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल गया है कि रॉबर्ट कोच ने क्या क्या काम किया था उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलरा में भी काम किया है एंथ्रेक्स और ट्यूबाकुलसिस और कॉले ये तीन डिस या ये तीन पॉजिटिव एजेंट्स का पता रॉबर्ट कोच ने लगाया था नाउ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं मोनेरा नो प्लांटे नो दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा ओके सो द यूनिसेल्यर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द प्रोटिस्टा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच ऑन द फॉलोइंग इज़ अ कंटेजियस डिसीज़ कंटेजियस डिसीज़ या फिर आप बता सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज सो चिकन पॉक्स

नाउ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेब्रेन कंप्राइजेस ऑफ अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स नोन एज जैसे ही आपके क्वेश्चन आपने ये पढ़ा तो आपके दिमाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए एकदम से ठीक है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली लाइक अ सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज हैविंग अ फोल्ड्स लाइक दिस दिस देर आर सेवरल फोल्ड्स ओके सो वॉट आर दिस फोल्ड्स नोन एज सो so, आपने जब भी लेबल किया होगा तो इसको किस नाम से लेबल किया है सो यू मस्ट नो दिस सो दिस इज़ बींग लेबल्ड बाई क्रिस्टी ओके सो दी सीरीज़ ऑफ फोल्स आर नोन एज क्रिस्टी थाइलेक्वाइड्स आर प्रेजेंट इन साइड द प्लान्स एंड इट इज़ द क्लोरोप्लास्ट में होते हैं थाइलेक्वाइड्स दे आर लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस और सिस्टर्न्स इज़ नॉट अ structure. cilia are like appendages present. okay, again, you have appendages. they are basically cilia uh, used in the movement or basically cilia are found in the inner linings of your small intestine. okay, so these are, uh, this is a different thing, cilia. so here, uh, christy is the correct answer. now, as an antiseptic, alcohol is effective against. you have known that alcohol is used uh, Mainly in the microbiology, okay. You have uh, seen the use of diluted form of alcohol, so it is used as an effective agent against bacteria. Obviously, it is used against bacteria, but not against the non enveloped viruses. Bacterial endospore and fungi, no. Bacteria and fungi, yes, it is used for both bacteria and fungi. Fungi and non enveloped viruses, this is also no. So, the option C is the correct answer that the uh, alcohol is used. Uh, एज एन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक अगेंस्ट द बैक्टीरिया क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मैक कॉन्की और मैक अगार मीडियम सो यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट मीडियम दैट आर यूज इन माइक्रोबाजी सो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे एक मीडियम के बारे में पूछा गया है जो कि मैक कॉन्की अगार मीडियम है तो किस लिए यूज़ मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा ट्रू है मैकॉन् की अगार मीडियम इज़ सेलेक्टिव आपको बताना चाहिए सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम में क्या डिफरेंस होता है अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊँ दैन प्लीज लेट मी नो क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम है तो जस्ट लेट मी नो वेरी सुन एज अर एस यू वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल सच थिंग्स ऑल्सो सो मैकॉन् की अगान मीडियम इज़ अ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिस इज़ नॉट ट्रू मैकॉन्की अगर मीडियम इज सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस इज ट्रू इट इज अ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम दट इज़ यूज फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो वॉट इज अट डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आई होप दिस इज नोन टू ऑल ऑफ यू इट इज अ वेरी बेसिक कॉश्चन ओके विच एवरी माइक्रोबॉलॉजी स्टूडेंट शुड बी नोइंग सो इट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली उनके मेम्रेन में उनके जो कवरिंग है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकिल लेयर के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होते हैं और वो किस तरह से स्टेन जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन है ग्राम स्टेन है उसको कि, किस तरह से वो टेक करते हैं ठीक है उसके बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और बाकी ऑप्शन तो इसके करेक्ट है ही नहीं सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है सो so,

Then please let me know baki i would be uploading videos on the previous year questions almost daily i would be uh, continuing the series along with a series of zoology questions also if you are aiming at zoology then please stay tuned to my channel and if you are preparing for microbiology also then please stay tuned to my channel and please do don't forget to subscribe okay and share thank you very much